एक चित्रकार का एक शिष्य था जो उसे चित्रकला सीखने आया था। लेकिन चित्रकार उसे छोटे मोटे काम दे देता था और मूल चित्र सिखाने का अभी उसने कोई प्रयत्न नहीं किया था। वह चित्रकार के लिए पेंसिल छीलता था। कई महीनों के अभ्यास के बाद शिष्य गुरु से पूछता है कि सिर्फ आप मुझे पेंसिल छीलना ही सिखा रहे हैं, चित्र बनाना कब सिखाएंगे? तो उस चित्रकार ने कहा कि तुम जो यह पेंसिल छील रहे हो, यह चित्र बनाने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है। यदि तुम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करोगे, तभी तुम एक महान चित्र बना पाओगे। पेंसिल जैसी छोटी चीज़ भी चित्र बनाने के लिए कितनी अहम है, यह जानने के लिए तुम्हें 1 महीने से मैं इसका अभ्यास करा रहा हूँ। कितनी सफाई से यदि तुम पेंसिल को छील सकते हो, तो उतनी ही बारीकी से चित्र बनाया जा सकता है। जब तुम पेंसिल की नोक बनाना अच्छी तरह सीख जाओगे, तभी मैं तुझे मूल चित्र बनाना सिखाऊंगा। अर्थात कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। कोई भी महान कार्य करने के पीछे उसके पीछे छोटी छोटी महान कार्यों की श्रृंखलाएँ होती हैं, वही व्यक्ति को महान बनाती हैं। ऐसा ही उदाहरण माइकल एंजिलो का है, जो एक चर्च के लिए मूर्तियां बना रहा था और वह एक मूर्ति की कई प्रतियां बनाकर चर्च के सामने गढ़ रहा था। तभी एक दर्शक देखने आया और उसने कहा कि आपने इतनी सारी मूर्तियां बनाई हैं, एक जैसी हैं। तो माइकल एंजिलो ने कहा कि मैं ये चर्च के शीर्ष पर लगने वाली मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कुछ न कुछ कमी रह जाती है, इसलिए वापस नई मूर्ति बनानी पड़ती है। तो दर्शक ने कहा कि इसमें क्या कमी है? तो इसकी नाक की जो नुकीलापन है वो बराबर आ नहीं पा रहा है, ऐसा माइकल एंजिलो ने कहा दर्शक से। तो दर्शक ने कहा, यह तो अत्यंत ऊंचाई पर लगेगी, सबसे ऊपर, कोई देख भी नहीं पाएगा, फिर आप इतना प्रयत्न क्यों कर रहे हो? तो माइकल एंजेलो ने कहा, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे मालूम है कि उसमें यह कमी है जो जीवन भर मुझे कचोटती रहेगी, इसलिए मैं अपने कार्य में कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ, इस कमी को भी दूर करना चाहता हूँ। मेरी हर कृति सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, ताकि सदियों बाद भी लोग उसे देखें तो कोई कमी ना निकाल पाए। यही है सफलता का रहस्य, जो माइकल एंजेलो और दूसरे महान लोगों ने अपने जीवन में उतारा है। यही सबके जीवन के लिए भी आवश्यक है।